कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। ये आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हो गए हैं इवनिंग का टाइम और मैं अपने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी और नाइट का डिनर बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो मैं यहाँ पे चेयर में खड़ी हो गई हूँ और मैं पूरी अलमारी है जो ऊपर वाला कंधा, मैं उसे क्लीन कर लूँगी क्योंकि आज मैं गई थी उदयपुर और वहाँ मेरी रखी हुई थी कलाम पाक, जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे मेरी कलाम पाक और जय नमाज वगैरह रखी हुई थी। तो मैं वही लेने गई थी आज उदयपुर क्योंकि आज इनकी छुट्टी थी और मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं बोली कि चलिए लेके आते हैं। तो आज मैं गई थी उदयपुर तो वहीं से अपना सब सामान जो पुराना रखा हुआ था वो लेके आई हूँ। और आप देख रहे होंगे ये अलमारी के साइड में सीमेंट लगी हुई है। तो हम लोग अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं नए नए और ये जो सीमेंट है ना शायद मकान मालिक ने अभी ये बनवाया है, इसलिए उन्होंने अभी पेंट नहीं कराया। वो बोले थे बाद में हम करा देंगे, तो भी काम तो चलाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे रेड कलर का मलमल का कपड़ा बिछा के सभी चीज़ें रख दूँगी। और ये आप हाथ में देख रहे हो ना फोटो थी और रुई थी, लोबानदानी था और तेल रखने का कंटेनर था और ये कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ती हूँ वो रखी हुई है और ये मेरी कलाम पाक है। और मैं यहाँ पे जय नमाज वगैरह सब कुछ रख दूँगी। देखो मैंने क्लीन कर लिया है, साफ़ सुथरा अच्छा सा दिख रहा है यहाँ पे। और मैंने यहाँ कुछ फूल रखे हुए थे वो भी लगा ली हूँ। ये मेरी कलाम पाक रखी हुई है, अगरबत्ती और जय नमाज। ये सब चीज़ें करने के बाद मैं जल्दी से अपने रूम में झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में जाऊँगी क्योंकि ये लेके आए हैं दूध और मुझे दूध गर्म करना है। तो मैं जल्दी से दूध गर्म करके इनके लिए चाय बना दूँगी। ये अमूल का दूध है आधा लीटर का, हम दोनों के लिए आधा लीटर बहुत है। तो मैं दूध अभी गर्म कर लूँगी और दूध गर्म होने के बाद मैं है ना इनके लिए 1 कप चाय बना दूँगी क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, यही चाय पीते हैं। तो मैंने सोचा इनके लिए जल्दी से चाय बना दूँ। और ये इनकी चाय बन रही है आप देख सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मुझसे ब्लॉग वगैरह बनाते नहीं आता। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक तो कर देना यार। नेक्स्ट टाइम से आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मैंने चाय बन जाएगी तो मैं इन्हें चाय दे दूँगी। और इन्होंने बोला आज मुझे दाल और रोटी खाना है तो मैं रात के डिनर में पालक वाली चने की दाल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद आपसे। आज रात में बनाऊंगी चना दाल, तो उसके लिए मैं हम दो लोगों में थोड़ा ही लगती है तो मैं ना थोड़ा सा चना दाल ले ली हूँ और इसमें कुछ नहीं करूँगी, पालक डालकर पालक कटी डाल लूँगी और इसमें ना नमक डाल दूँगी और इसको 10 से 20 मिनट तक पकने दूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे 10 से 20 मिनट बाद। दाल पक गई है तो चलिए हम लगा लेते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल क्योंकि मुझे मस्टर्ड ऑयल ही पसंद है। उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन और सभी मतलब जो हम तड़का लगाने के लिए यूज करते हैं सब इसमें डाल देंगे। मैंने डाला है लहसुन, प्याज, मिर्च, जीरा, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक पका लूँगी। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मुझे खाना बनाते नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना क्योंकि मैं शादी के पहले कभी खाना नहीं बनाती थी। और ये जो कढ़ाई आपको साइड साइड में काली काली सी दिख रही है ना, तो ये है ना पुरानी कढ़ाई है, इसलिए
और मैं है ना कुछ दिन बाद से हमारे यहाँ 21 तक सब कुछ बंद है, खुलने के बाद मैं सब कुछ धीरे धीरे नया लूँगी। आप देख सकते हो ये ब्राउन हो गई है, तो हम ब्राउन होने तक प्याज को पका लेंगे। तो जब प्याज हमारी पक जाएगी तो उसमें मैं एक कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी और टमाटर को अच्छी तरीके से पकने दूँगी। तो चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, जब तक हमारा टमाटर पक रहा है उसके बाद हम मिलेंगे आपसे। हमारा टमाटर पक गया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तीनों चीज़ों को डालने के बाद मैं ऐसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे पकते दूँगी। फिर उसके बाद है ना मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। तो देखिए मेरा टमाटर पक चुका है। ये पूरा मसाला पक जाने के बाद इसमें मैं है ना पकी हुई दाल ऐड कर दूँगी। दाल ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे 1 गिलास ऑफ वाटर। तो देख लीजिए आप मेरी दाल, बताइए कैसी लग रही है। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे रोटी दाल बनने के बाद, और हम दोनों में से ओनली 6 to 8 रोटी लगती बस हो गया। तो मैं रोटी बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ डिनर टाइम और दिखाती हूँ कि रोटी और दाल हमारी कैसी लग रही है। आइए सभी डिनर करते हैं। डिनर में है दाल रोटी और ककड़ी, और मैं दाल में डाल ली लेमन। हम लोगों ने डिनर कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।